वैसे तो माताओं के प्रति प्यार और सम्मान हर पल ही मन में होता है, लेकिन इस एक दिन उसे जताकर माताओं को खास महसूस कराए जाने का चलन है। इस दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद किया जाता है। जितना खास है यह दिन, उतनी ही रोचक है इस दिन को मनाने की शुरुआत भी। अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग अलग कहानी है। आइए जानते हैं कब, क्यों और कैसे हुई थी मदर्स डे मनाने की शुरुआत। मदर्स डे ग्राफ्ट एंड वेस्ट वर्जीनिया में एना जॉर्विस ने सभी माताओं और उनके मातृत्व को सम्मान देने के लिए आरंभ किया था। इसे दुनिया के हर कोने में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। इस दिन कई देशों में विशेष अवकाश भी घोषित किया जाता है। कुछ विद्वानों का दावा है कि माँ के प्रति सम्मान यानी माँ की पूजा का रिवाज पुराने ग्रीस से आरंभ हुआ है। कहा जाता है कि ये सिएबली ग्रीक देवताओं की माँ थीं, उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। यह दिन त्योहार की तरह मनाने की प्रथा है एशिया माइनर के आसपास और साथ ही साथ रोम में भी वसंत के आसपास। इदेस ऑफ मार्च 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता है। यूरोप और ब्रिटेन में माँ के प्रति सम्मान दर्शाने की कई परंपराएं प्रचलित हैं। उसी के अंतर्गत एक खास रविवार को मातृत्व और माताओं को सम्मानित किया जाता था, जिसे मदरिंग संडे कहा जाता था। मदरिंग संडे फेस्टिवल लिटर्गिकल कैलेंडर का हिस्सा है। यह कैथोलिक कैलेंडर में लेतारे संडे लेंट में चौथे रविवार को वर्जिन मैरी और मदर चर्च को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। परंपरा अनुसार इस दिन प्रतीकात्मक उपहार देने तथा माँ का हर काम परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम अमेरिका में प्रोक्लोमेशन जूलिया वार्ड होवे द्वारा मनाया गया था। होवे द्वारा 1870 में रचित मदर्स डे प्रोक्लोमेशन ने अमेरिका सिविल वॉर में हुई मारकाट संबंधी शांतिवादी प्रक्रिया लिखी गई। यह प्रोक्लेमेशन होवे का नारीवादी विश्वास था, जिसके अनुसार महिलाओं या माताओं को राजनीतिक स्तर पर अपने समाज को आकार देने का संपूर्ण दायित्व मिलना चाहिए। 1912 में एना जॉर्विस ने सेकेंड संडे इन मई फॉर मदर्स डे को ट्रेडमार्क बनाया और मदर डे इंटरनेशनल एसोसिएशन का गठन किया। गूगल से जानकारी ढूंढने जाएं तो मदर्स डे के दो प्राथमिक परिणाम सामने आते हैं। वो हैं लेंट में मदरिंग संडे, ब्रिटिश कैलेंडर में चौथे संडे के रूप में और मई के दूसरे संडे के रूप में। चीन में मातृ दिवस बेहद लोकप्रिय है और इस दिन उपहार के रूप में गुलनार के फूल सबसे अधिक बिकते हैं। 1997 में चीन में यह दिन गरीब माताओं की मदद के लिए निश्चित किया गया था, खासतौर पर उन गरीब माताओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों जैसे पश्चिम चीन में रहती हैं। जापान में मातृ दिवस शोवा अवधि के दौरान महारानी कोजुल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। आजकल इसे अपनी माँ के लिए ही लोग मनाते हैं। बच्चे गुलनार और गुलाब के फूल उपहार के रूप में माँ को अवश्य देते हैं। भारत में इसे कस्तूरबा गांधी के सम्मान में मनाए जाने की परंपरा है। थाईलैंड में मातृत्व दिवस थाईलैंड की रानी के जन्मदिन पर मनाया जाता है।